देखिए डॉक्टर मंसूरी ने कहे आज आदित्य मिडवे में फिर से हम नाश्ता करने आए हुए हैं। यहाँ से हम सौंसराए हुए थे, गुजर रहे थे, तो यहाँ रेमंड हरिपुर गांव में यह एरिया आता है, वहाँ आदित्य मिडवे है, वहाँ डॉक्टर मंसूरी सर नाश्ता करते नज़र आ रहे हैं। उन्होंने यहाँ वेजिटेबल पराठे का ऑर्डर दिया हुआ था, वेजिटेबल पराठा आ चुका है। और वेजिटेबल पराठा किस तरह से खा रहे हैं सर देखिए, वेजिटेबल पराठा दही और अचार है। देखिए सर के खाने का अंदाज़ देखिए, कैसे सूप स्पून से वेजिटेबल पराठा अलग कर रहे हैं, अचार में डुबो रहे हैं। अच्छा ऐसे टेस्ट ले रहे, कभी दही के साथ जायका ले रहे, कभी अचार के साथ जायका ले रहे हैं, अब शायद दही के साथ डुबो कर खाएंगे। देखिए इनके खाने का तरीका, देखिए देखो दही के साथ इन्होंने उसे डुबोया है और फिर मुंह में डाल दिया हुआ है। इसी तरह ये अपना स्वाद ले रहे हैं, जायका ले रहे, खाने का मजा ले रहे हैं। यहाँ भी पूरा रेस्टोरेंट खाली पड़ा हुआ है, शायद इस वक्त कम लोग जो भी यहाँ से जो बेचारे गुजरते होंगे वही लोग आते होंगे। कोई इनका एक फिक्स टाइम है, जिसको भूख लग गई वो रुक जाता होगा और अपने हिसाब से अपने पसंद का खाना खा लिया करता होगा। उस तरफ जैसा यहाँ सेल्फ दिया था उसी तरह इस तरफ भी सेल्फ है, बहुत ही सुंदर अरेंजमेंट इस टेबल के लिए इधर, उस टेबल के लिए उधर, हर टेबल के लिए। यहाँ एक सेल्फ नज़र आ रहा है, उस सेल्फ में बिस्लरी की बॉटल रखी हुई है और कुछ अचार जो भी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे वो स्पून यहाँ हर सेल्फ में रखा हुआ है। उस हिसाब से यहाँ टेबल पर जो बैठने वाले हैं उनको यहाँ से दिया जाता होगा और देते भी है, शायद हमने देखा है उन्हें यहीं से निकालते हुए। यहीं से भी डॉक्टर मंसूरी सर नज़र आ रहे हैं, इनका बैक साइड में है दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ की सीलिंग व्यवस्था भी बहुत खूबसूरत है, हर जगह फैन लगी हुई है और शायद ये रात के वक्त लाइट में इसका नज़ारा और भी बढ़िया रहता होगा। शायद हम अभी फिर से आएंगे तो नाइट में रुकेंगे तो यहाँ का सीन हम दिखाएंगे इंशाल्लाह कि हम दिखाएंगे, नहीं दिखा पाए तो बस ये जो दिखा रहे हैं इसी तरह से रात में लाइट लग जाते होंगे पूरी सीलिंग में, तो वो नज़ारा और भी खूबसूरत होता होगा। और लाइटिंग का नज़ारा खूबसूरत होता ही है। यहाँ से देखिए हुक्का और पूरा काउंटर टॉप नज़र आ रहा है, मैं एक साथ दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और यह जो पिलर पर मिरर लगे हुए है, फूल हैंगिंग किए हुए है, सब इन यहाँ एक साथ दिखाई दे रहे हैं, साथ में फैन झूमर सीलिंग। तो सर से पूछते हैं कि कैसा टेस्ट था। बढ़िया बढ़िया था। अच्छा सर को पिछले बार जब हम आए थे उस समय आलू पराठे का भी टेस्ट पसंद आया, आज वेजिटेबल पराठे का भी टेस्ट पसंद आया हुआ है, इसी के नाम से सर ने कुछ खाया नहीं और यहाँ पर आए, लेकिन थाली कुछ उन्हें नहीं जमी तो सिर्फ नाश्ता ही कर लिया है। देखिए सर जा रहे हैं, ये चाइनीज के स्वास के लिए जो छोटे छोटे पॉट चीनी मिट्टी के हैं वो नज़र आ रहे हैं हमें। देखिए इसमें सोप और कड़ी शक्कर की जो पीस है टुकड़े, और ये जो सॉस है चाइनीज सॉस उसके लिए छोटे छोटे चीनी मिट्टी के पॉट दिए हुए हैं, वहाँ बहुत ही खूबसूरत किया से इन्हें रखा गया हुआ है। ये सर अपना पेमेंट दे रहे हैं, दे चुके हैं। सॉस के भी बॉटल रखी हुई है,
ज़रूरत के हिसाब से सब दिया जाता है। हाँ चलो सूप और कड़ी शक्कर का मजा सर ले रहे हैं। रात को ज़्यादा चलता होगा तो रात में रहता है ज़्यादा तो मतलब खाने वाले फिर अपने अपने हिसाब से आते, उसी समय ऑर्डर देकर बनाना पड़ता तो वक्त लगता होगा, यानी आपका सब रेडी रहता है बाकी तो मैम इसे कटिंग में शॉप कटिंग में सब रेडी रहता है बाकी तो रेडी। अच्छा अच्छा नॉनवेज वगैरह नहीं मिलता? प्योर वेज बढ़िया बढ़िया। चलिए अब हम चलते हैं, हम यहाँ से अब निकल रहे हैं, चलो बाहर की ओर। देखो यहाँ भी मिरर में हम दिख रहे हैं शायद, चलिए बाय। यहाँ का आगे का सीन मैं दिखा चुकी हूँ।